कि प्रत्याशी जीत के आए हैं, तो आपको आपको हार्दिक बधाई। बहुत धन्यवाद। और आप अपने वार्ड में ऐसे क्या योजना बनाकर उतरे थे कि जिससे जनता आपकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान दी, आकर्षित हुई? मेरे साथ ऐसा है कि मेरे पिता जिस वार्ड से मैं अभी नवनिर्वाचित हुआ पार्षद बना, तो उसी वार्ड से मेरे पिताजी भी और 10 साल पार्षद रहे हैं, 1 साल मेरा भी पार्षद रहे, तो मतलब लगातार 15 सालों से भी मेरे परिवार को समर्थन मिला है। और उस चीज़ को देखते हुए जिस प्रकार मेरे पिताजी का कार्य रहा है, उनका व्यवहार रहा है वार्डवासियों के प्रति, वार्ड में जिस प्रकार उन्होंने सहयोग किया, सहयोग किया, उनके कार्यों में योगदान दिया, तो उसी को देखते हुए और पिताजी के जाने के बाद मैंने भी निरंतर वार्डवासियों के साथ संपर्क रखा और उनके जो भी समस्या थे उनका निर्वहन किया। तो अपने वार्ड में ऐसी क्या दिया गया है? ऐसे वार्ड में अपने वार्ड में ऐसी क्या समस्याएं आप देखते हैं मूल रूप से? मेरे यहाँ तो दो समस्याएं हैं, पानी और सफाई की, जिसमें से पानी की ऐसी समस्या कि पानी की बहुत आपूर्ति है, इसको निराकरण किया जाए दूर शोर से। और इसके लिए क्या कोई योजना बनाकर आप आए हैं? योजना पहले भी जो कुल पार्षद थे उन्होंने भी बहुत लगातार मेहनत की है पानी की स्थिति के लिए, और ऐसा लगता है कि अब हमको सफलता प्राप्त होगी क्योंकि और शहर में बहुत सारी जगह पाइप लाइन लगे होने के कारण नलों में लगातार गंदे गंदे पानी आते जा रहे हैं, तो उसे जल योजना के तहत, अमृत जल योजना के तहत